नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी में हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपके पास ब्लॉग वेबसाइट है और आप गूगल एडसेंस से लिंक करना चाहते हैं, आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना करके आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं फ्रेंड, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आए, प्ले लिस्ट में आए और गूगल एडसेंस अगर आप देखेंगे प्ले लिस्ट में तो यहाँ पर देखिए 38 वीडियो बनाए हैं। सीपीसी सीटीआर और पैसे इंक्रेज करते हैं, अर्निंग कैसे बढ़ाए जाते हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बट मैं आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने का तरीका वो अभी चेंज हो चुका है, तो मैं नया वीडियो बना रहा हूँ कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, अपना गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ गूगल एडसेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको एक बार जरूर चेक करें। अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो उसको पढ़ें, सीखें और फिर समझें, फिर आप गूगल एडसेंस अकाउंट से आप पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो और देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉग है जो अभी अभी हम क्रिएट किए हैं, एक ब्लॉग अपने ही सब्सक्राइबर का ये ब्लॉग बनाए हैं। और आपको पता होगा जिसका ब्लॉग डिजाइन करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उनका एडसेंस अकाउंट अप्रूवल करा के देते हैं या फिर एडसेंस अकाउंट के लिए मतलब कि सारा कुछ कर देते हैं, कंटेंट तो उन्हीं का रहता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एडसेंस अकाउंट, अभी ये ब्लॉग का नाम है फ्रेंड motivateblog.com, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में motivateblog.com। और इसके लिए हम लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और देखते हैं ये मिलता है या फिर क्या होता है। वेबसाइट तो अच्छा अच्छा खासा डिजाइन हो चुका है और सारा कुछ कुछ कमी तो नहीं है फिलहाल। आप ये गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके पास गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट होना चाहिए। और ये ब्लॉग वेबसाइट है तो इसका URL हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा गूगल एडसेंस आपको यहाँ पे लिखना है, गूगल एडसेंस टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइनअप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए, यहाँ पे देखिए URL ऑफ योर वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट का URL यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। तो ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे www और http हटा देते हैं और ये www.example.com, तो उसी तरह www.mymotivateblog.com है। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड, अपना ईमेल आईडी ऐड करने के बाद से सिंपल आपको यस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए पेज जो है कि रिडायरेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है कोड को और ब्लॉग के अंदर पेस्ट करना है हेड के नीचे और उसके बाद से सेव करना है। तो वही मैं यहाँ पर देखिए, कनेक्ट योर साइट टू द गूगल एडसेंस, आप अपने साइट को कनेक्ट करना चाहते हैं गूगल एडसेंस के लिए तो सबसे पहले आप इस कोड को कॉपी करें, सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद से कॉपी कर ले, कॉपी हो गया है आप देख सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद से ये देखिए बिटवीन हेड टैग के जो होता है एचटीएमएल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा। आप देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और एडसेंस संबंधित इंफॉर्मेशन जो टिप्स एंड ट्रिक होती है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आप उसको जरूर पढ़ें। तो ये हेड के नीचे आपको पेस्ट करना है इस कोड को और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेव थीम्स करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद से आप, ये सेव होने के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका एड शो नहीं होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना होगा फ्रेंड, आपको कुछ दिन वेट करना होगा गूगल एडसेंस रिप्लाई का। ये देखिए सेव हो गया, सेव होने के बाद से यहाँ पर देखिए आई पेस्ट, आपको मतलब कि ये बोल देना कि हमने पेस्ट कोड जो है कि पेस्ट कर दिया है और यहाँ से डन कर देना है और कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपको रिव्यू के लिए लिखा लिखा गया है, मतलब कि
3 डे लग सकते हैं रिव्यू में, आपको एक ईमेल जाएगा, आप वो ईमेल चेक कर सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं करना है, आपका एडसेंस अकाउंट अभी जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह भर सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड, जो भी आपका गूगल एडसेंस की तरफ से पिन कोड जाता है, वो सब आप एडसेंस में भर सकते हैं। जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव मिलेगा तो सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, फिर आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं गूगल एडसेंस के लिए। उसके बाद से जब अप्रूव मिल जाएगा तो आप इससे अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो बड़ी ही बहुत ही सिंपल, तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल आसानी से मैं आपको बता दिया हूँ कि गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप गूगल एडसेंस संबंधित और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बात दोस्तों अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।